कोई अपने आप को सियासी नुमाइंदा या सियासी रहनुमा कहे, कौम का, मुल्क का, और उसकी हरकतें आप देखो तो इंसान को हैरानगी होती है। मैं समझता हूं कि 9 मई का जो वाकया है, इसमें वाकई पूरे मुल्क की सियासी क़यादत, सिविल सोसाइटी, संजीदा तबके को इस अमल से इंतहाई खौफ और परेशानी हुई है, बल्कि बाहर के दुनिया में, बाहर के जितने जमहूरी मुल्क हैं उनसे भी शर्मिंदगी उठाना पड़ा है कि एक सियासी जुमायत या ग्रुप जो भी हो वो इस तरह की हरकत करे, जिससे स्पेशली मैं समझता हूं कि 9 मई के वाकया से कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाना और मुल्क के खिलाफ बगावत का अलम उठाना, ये इंतहाई काबिले मजम्मत और इस पर सोच विचार की जरूरत है। देखिए, ये 9 मई का जो वाकया हुआ है, आज आप देखें पूरे आप इस मुल्क की जो यूथ की पॉपुलेशन है 40% है, उसके जहन पे क्या असर गुजरेगी। देखिए, सियासी जुमायतें हर वक्त इंसान को डिसिप्लिन और एक एहतराम सिखाती है, और ख़ास तौर पर देखिए हम जिन सियासी जुमायतों से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारा फलसफा है अदम तशद्दुद। जो तशद्दुदी जहन है, मनफी जहन है, वो फिर बाकी आने वाले नस्लों पे जो असरात डालती है, वो असरात कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। आज अगर आप देखें इन हरकतों की वजह से, बजाय के इस ग्रुप को शर्मिंदगी हो, बल्कि वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जाली अकाउंट से और बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ, मुल्की इदारों के खिलाफ जिस अंदाज में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं, ये चीज़ें सोचने की बात है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि 9 मई का दिन और शोदा की बेहरमती और इन तमाम लोगों को, उन शोदा के माओ, उनके वालिदीन को क्या वो जवाब देंगे? आया थोड़ी सी भी एहसास, थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं हुई कि हम मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाएंगे और मुल्क के अंदर एक मनफी जो किरदार अदा करेंगे, इससे मुल्क को, मुल्की मईशियत को नुकसान पहुंचेगी। तो लिहाजा मैं इस अमल की भरपूर मजम्मत करता हूं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि तमाम सियासी जुमायतों के सरबरान अपने तमाम कारकुनों को मुल्की इदारों का एहतराम और एक तामीरी किरदार का दर्स दें। देखिए, हम समझते हैं कि जो वाकई ईमानदाराना तौर पर सियासी वर्कर है उसको रोल मॉडल होना चाहिए, बजाय कि वो सियासत का लबादा ओढ़ के वो बदमाशी, मनफी किरदार और नफरत, इंसानियत दुश्मन, मुल्क दुश्मन किरदार अदा करे, उसको सियासी वर्कर नहीं कहा जाता है, उसको सियासी पार्टी नहीं कहा जा सकता है।